अभी शाम हो गई है और कुकिंग का टाइम हो गया है, तो चलो चलते हैं आज क्या बनता है। और गाँव में तो सिंपल ही बनता है, तो देखते वही सिंपल सा चीज़ बनाते हैं। आपको तो पता ही है गाँव में बहुत काम होता है और मम्मी की तो हेल्प करनी है, तो हम जैसे ही आए वैसे हम थोड़े तो बिज़ी हो गए थे, इसीलिए आगे ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, खाने में क्या बनाते हैं आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज बनने वाली है फूलगोभी और बीन्स की सब्ज़ी। और मैं अब सब्ज़ी काटने लगी हूँ और मेरी नीचे ढानी आ गई। तो गाइस, मैं अंधेरे में बैठी हुई थी तो मेरी जेठानी आई, उन्होंने लाइट जला दी ताकि मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं अकेली बैठी हुई थी तो वो मेरे सामने आकर के बैठ गई और मुझसे बातें कर रही थी ताकि मैं सब्जी काटते हुए बोर ना हो जाऊं। और तो हम लोग फिर बातें कर रहे थे और सब्जियाँ काट रहे थे। इससे पहले कभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, तो ये चूल्हा मेरी जेठानी ने जलाई है और मैं यहाँ बैठ कर के देख रही हूँ चावल पकते हुए। घर में सभी चावल खाते हैं सिवाय पापा के, इसीलिए मेरी जेठानी पापा के लिए आटा सान दे रही है और ये मैं हूँ रोटी बेल रही हूँ। पहले मुझे रोटी बेलना नहीं आता था, मतलब गोल नहीं हो पाता था मेरे से, हमेशा नक्शे ही बन जाते थे। लेकिन आजकल थोड़े धीरे धीरे करते हुए मैंने हल्का फुल्का गोल करना सीख लिया है। ये देखिए, ये पूरा गोल गोल पूरा परफेक्ट गोल नहीं है, लेकिन फिर भी गोल कह सकते से। अब मैं इसे तवे में डालने जा रही हूँ। तवा गर्म हो चुका है और मैं इसे इसीलिए ऊपर से डाल दी। ये देखिए, रोटी एक साइड से सिक चुकी है और मेरा काम था सिर्फ रोटी बनाना। और अभी ये मेरी डेढ़ साल से वो सीख रही है रोटी, क्योंकि वो इसको सीखती है ये। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इससे शायद करछुल बोलते हैं, हाँ इससे सीखती है, तो ये मुझसे नहीं हो पाता है। मेरा आदत है कि मैं कपड़े से ही फुला पाती हूँ रोटी, ऐसे मेरे से नहीं फूल पाती है। और वो पता नहीं कैसे बड़ी अच्छे से कपड़े की तरह, कपड़े से जैसे फुलाते हैं वैसे वो फुला लेती है इसे। ये देखिए, फूल रही है रोटी। मुझसे आज तक ऐसा फूला नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ फुलाने की, लेकिन मेरा जब भी फुलाती हूँ तो फट जाता है बीच से। तो देखिए कितने अच्छे गोल 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 एकदम फुला हुआ गुब्बारे की तरह। ये थोड़ा कला होता है हर चीज़ का। तो ये मेरी डेढ़ सौ का आता है, तो
जैसे रोटी बनाना मैंने सीख लिया, मतलब रोटी बनाना तो आता था, जैसा उनको शेप में लाना मैंने सीख लिया हल्का फुल्का, वैसे ये भी मैं सीख लूँगी। तो ये तैयार है फुली फुली रोटी पापा के लिए। तो हमारा खाना हो चुका है और आज का दिन बहुत ही बिजी रहा। और अरे तो हमारा खाना हो चुका है और आज का दिन बहुत ही बिजी रहा। अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, बहुत थक गए हैं। तो अभी बज रहे होंगे रात के 9:30। हाँ, गांव में सब जल्दी ही सोते, तो कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।